Please click on subscribe and hit the bell icon to receive our updates. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि WhatsApp एक नया फीचर लेकर आया है, फिंगरप्रिंट लॉक फीचर, जिसकी मदद से हम अपने जो WhatsApp को लॉक कर सकते हैं और अनलॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि आपको जो इस फीचर को कैसे इनेबल करना है। तो इसको इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना WhatsApp ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पर ऊपर 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो इस पर आपको जो है टैप करना है और टैप करके आपको सेटिंग में आना है। तो इसको मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे करना होता है। तो सबसे पहले हम 3 डॉट्स पर टैप करेंगे, उसके बाद सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको अकाउंट पर क्लिक करना है, यानी अकाउंट पर टैप करना है। तो इस पर हम टैप कर लेते हैं। उसके बाद आपको आना है प्राइवेसी में, आपको प्राइवेसी पर टैप करना होगा। तो इस पर हम टैप कर लेते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा, स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन मिलता है जो कि डिसेबल है, तो इस पर आपको टैप करना है और इसको इनेबल करना होगा। चलिए जल्दी से हम इसको जो है इनेबल कर लेते हैं। इस पर सबसे पहले हम टाइप करेंगे, तो इस पर मैंने टाइप कर लिया है। अब फिंगरप्रिंट लॉक को इनेबल करने के लिए यहाँ पे टच करना होगा और अपनी फिंगरप्रिंट आईडी देनी होगी, तो उसके लिए फिंगरप्रिंट सेंसर पे टच करना होगा। और इस तरह से अब यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली लॉक पे चाहे इमीजिएटली लगा सकते हैं आफ्टर 1 मिनट या फिर आफ्टर 30 मिनट, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप लगाते हो। तो मैंने इमीजिएटली लगा दिया। अब देखते हैं कि ये लॉक हुआ है या नहीं। तो ये देखिए लॉक है ये। अब इसको हम अनलॉक करते हैं अपने फिंगरप्रिंट से, तो ये अनलॉक हो गया। तो इस तरह से फिंगरप्रिंट लॉक को इनेबल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत